नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम आपको रिव्यू करने वाले हैं ब्रांड न्यू बुल V3 लोडर के बारे में। V3 लोडर के बारे में बताएंगे, इससे पहले हम जान लेते हैं कि बुल मशीन और उसके बारे में जानकारी कि लोग सबसे ज्यादा ट्रैक्टर अटैचमेंट में बुल ही क्यों लेते हैं। इसमें आपको डबल पैरेललोग्राम सिलेंडर मिलते हैं। साथ में आप देखिए बुल V3 का लोगो, आप ये देखिए पूरा कंट्रोल वॉल्व जो है यहाँ से ऑपरेट होता है। इसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। करें हम बकेट की, बकेट का जो साइज है 0.5 क्यूबिक मीटर बकेट है। 13 फीटर लोडर की हाइट है। अपन डंप एंगल की बात करें तो ये 60 डिग्री डंप एंगल, 45 डिग्री डाउन एंगल है। हाइट ज्यादा होने से जो 6 सोयल है ये बम्पर पे नहीं गिरती, जिससे ट्रैक्टर सेफ रहता है। देखिए आप 45 डिग्री एंगल इसको रोटेट कर सकते हैं। भरने की बात करें तो आप कोई भी ट्रक 12 फीट के लगभग आप यहां से इसे डंप करके भर सकते हैं और जल्दी भर सकते हैं। ये V3 लोडर जिसपे अटैच है वो 6 नटों से कसे जाते हैं। दोनों तरफ ये 12 नट होते हैं। हमने देखिए सोनाली DI-60 RX पे ये माउंटेड है। देखिए आपको स्टैंड में ये हाइड्रोलिक टैंक लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटी 50 लीटर है। पूरे कंप्लीट सिस्टम में 75 लीटर ये फिल होता है। इस तरफ देखिए आप दोनों तरफ पैरेललोग्राम सिलेंडर लगे हुए हैं, ड्रम भी और बकेट भी। देखिए आप ये जो बकेट है इसमें आप 1 टन से ज्यादा वेट कैरी कर सकते हैं। इसमें 5 स्नेल लगे हुए हैं और आप देखिए इसमें 2 बूस्टर बकेट के पाइप, ये दोनों सिलेंडर लगे हुए हैं। इसमें इजी क्लच सिस्टम है जिसकी वजह से आप इजीली रिमूव कर सकते हैं लोडर को चेचिस से। बात करें इसमें हाइड्रोलिक टैंक की, लीटर हाइड्रोलिक टैंक कैपेसिटी और सिस्टम में 75 लीटर रहता है। नीचे की तरफ काउंटर वेट है, इसमें बुल का लोगो लगा हुआ है। फ्रेम इसका स्टैंड लगा हुआ है जो कि चेचिस पे है। में 60 RX, ये क्योंकि 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। ये बुल V3 का लोगो, सोनाली का 60 RX DI में सारी जानकारी रहती है मशीन की। आप ये देखिए आप बूस्टर सिलेंडर लगे हुए हैं। ये जो बूस्टर सिलेंडर है 2 सिलेंडर होते हैं, हाँ ये यहाँ से फ्लो भेजता है। ये आप देखिए बकेट सिलेंडर है, ये भी 2 होते हैं जो पैरेललोग्राम है। ये आर्म सिलेंडर है जो कि मशीन को अप डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो आप, मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।